गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 11th का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैश बुक। ठीक है, कैश बुक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसमें कि हमने सिंगल कॉलम बुक और डबल कॉलम बुक के बारे में जाना। हमने सिंगल कॉलम बुक जो थी, सिंगल कॉलम बुक का हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया था कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे सिंगल कॉलम कैश बुक बनती है। आज हम करेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, टू कॉलम कैश बुक। कल मैंने बताया था कि टू कॉलम कैश बुक कैसी होती है, जिस बच्चे ने भी नहीं देखी कि टू कॉलम कैश बुक में क्या क्या लिखा जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट की जाती है, कौन सी क्रेडिट की जाती है, ये सब जानने के लिए आप हमारी जो कल की जो वीडियो है वो देखिए। कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक में कैसे कौन सी ट्रांजैक्शन की जाती है, कौन सी डेबिट की जाएगी, कौन सी क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, ये सब कल की क्लास में किया था, तो आप देखना। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टू कॉलम कैश बुक का कि टू कॉलम कैश बुक जो वो कैसे बनती है। ठीक है, तो टू कॉलम कैश बुक देखो, पहले तो इसका फॉर्मेट देखो कि डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो, डबल कॉलम कैश बुक में एक तो डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF, फिर कैश, फिर बैंक, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक, ये 10 कॉलम होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन देखो कैसे हमें लिखना है। अगर आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है, तो आप डेबिट साइड लिखोगे। अगर आपके पास कैश आ रहा है तो आप लिखोगे डेबिट साइड, अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, अगर आपके कैश आ रहा है आपके पास तो आप लिख दोगे डेबिट साइड में, अगर बैंक में कैश आ रहा है तो आप इसके डेबिट साइड में लिखोगे, अगर कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट साइड, अगर बैंक में से कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो March 1st की ट्रांजेक्शन देखो, कैश इन हैंड रुपीज़ 15,000, कैश एट बैंक रुपीज़ 5,000। तो कैश इन हैंड हमने क्या लिखा था कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो इसकी देखो March 1st की एंट्री देखो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश में 15,000 और बैंक में 5,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 6,720, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 220। ठीक है, 220। तो ये कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कि आपने कैश में क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। ठीक है, यानी कि आपके पास से कैश गया है और उसके ऊपर आपने आपको डिस्काउंट भी मिला है, तो यानी कि आपने गुड्स खरीदे इतने के। ठीक है, फिर आपको इस पे डिस्काउंट मिल गया 220 का, यानी कि आपने टोटल गुड्स कितने के खरीदे, 6,500 के। 220 क्या है आपका डिस्काउंट है, 220 रुपये। ठीक है, तो आपने डिस्काउंट कितने के खरीदे होंगे, 6,500 के। तो आप देखो आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, तो आप लिखोगे बाय परचेज अकाउंट 6,500 क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इसके बाद जो 220 रुपये, 220 रुपये क्या था, डिस्काउंट था, तो इसकी हम क्या करेंगे। मैंने कल बताया था कि अगर डिस्काउंट की एंट्री है तो आप उसको अलग से जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करोगे, कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो 3 मार्च क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 220, टू डिस्काउंट रिसीव 220। ठीक है, अगर डिस्काउंट रिसीव की हो, डिस्काउंट अलाउड की हो, तो वे सारी जनरल एंट्री कैश बुक के नीचे रिकॉर्ड होएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिपॉजिट इन द बैंक रुपीज़ 5,000, बैंक में 5,000 रुपीज़ आए हैं। ठीक है, तो 5 मार्च की है। ठीक है, टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैश सेल्स रुपीज़ 10,000, यानी कि आपने सेल की है 10,000 की, तो देखो आपके पास पैसा आया है 7 मार्च, टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज़ 2,000, यानी कि बैंक में से 2,000 रुपये कम कर लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं, तो देखो इसकी एंट्री 2,000 रुपीज़ निकाल लिए गए हैं। ठीक है, 10 मार्च की एंट्री देखो, बाय कैश अकाउंट बैंक में से 2,000 रुपीज़ माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो 15 मार्च की देखो, रिसीव्ड 3 मंथ्स पोस्ट डेटेड चेक
ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटेड चार्जेस ₹750। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि आपको रिसीव हुआ है 3 मंथ्स पोस्टेड चेक था 20,000 का, ठीक है, 20,000 का आप चेक जमा जो है डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में, ठीक है। उसके बाद ये राज है जो ये बोलता है कि भाई मेरे को, जैसे ही उसने चेक ये डिपॉजिट किया तो वो कहता कि ये पैसे मुझे अभी चाहिए, तो बैंक बोलता है अगर आपको ये पैसे अभी चाहिए तो मैं आपसे इसके लिए चार्ज लूँगा, ठीक है। तो वो जो चार्ज लिया बैंक ने ₹750 का, क्योंकि उसको उसी टाइम पैसे चाहिए थे, ठीक है। तो इसकी एंट्री देखो कैसे होगी 15 मार्च की, आप लिखोगे इसमें बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, या फिर आप राज भी लिख सकते हो, ठीक है, टू राज। तो देखो कितने रुपए, अब पैसे देखो कि 20,000 का तो चेक था उसमें से 750 चार्जेस कट के, तो आपको कितने पैसे मिले होंगे बताओ, 19,250 रुपीज। तो आप बैंक में से, बैंक में डिपॉजिट में 19,250 रुपीज, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 19,250 रुपीज। नेक्स्ट देखो 18 मार्च की एंट्री है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक, दीपक से चेक जो है मिल गया है 5,000 का नोट बैंक, मतलब कि नोट बैंक का मतलब है कि जो चेक है वो आपके पास ही है, यानी कि कैश इन हैंड है, ठीक है। अलाउड डिस्काउंट ₹200 और उसके ऊपर डिस्काउंट भी कितने का है 200 का, चेक कितने का है 500 का, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री देखो, आपको ये इसमें डिस्काउंट भी है और चेक इन हैंड, मतलब कि वो बैंक में भी नहीं गया, नहीं आपके पास कैश आया, तो इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे। देखो 18 मार्च चेक इन हैंड ₹5,000, ठीक है, उसके ऊपर डिस्काउंट था, डिस्काउंट अलाउ किया 200 का, तो टू दीपक 5,200, ठीक है, इसकी जनरल एंट्री करेंगे। ना तो कैश आया हमारे पास, ना ही बैंक में हमारे पास पैसा आया या गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 22 मार्च पेड टू चंद्रा बाय चेक ₹2,500, रिसीव डिस्काउंट ₹100। अब इसकी देखो एंट्री कैसे होएगी कि पेड टू चंद्र, मतलब कि चंद्र, पेड टू चंद्र मतलब कि बाय चेक, चेक से पैसा आया, ठीक है, तो चेक से पैसा गया है, ठीक है। तो आप लिखोगे बाय चंद्र, बाय 22 मार्च बाय चंद्र 2,500, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि रिसीव डिस्काउंट ₹100 और आपको डिस्काउंट भी हुआ, तो डिस्काउंट आप नीचे लिखोगे, ठीक है, 22 मार्च चंद्र डेबिट 100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100, ठीक है। उसके बाद देखो 25 मार्च की विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1,000, मतलब कि विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि आपने बैंक से पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या आपके लिए ड्रॉइंग है, ठीक है। तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे 25 मार्च बाय ड्रॉइंग 2,000, कितने रुपए निकाले हैं 1,000 रुपीज, तो आप लिखोगे बाय ड्रॉइंग 1,000 रुपीज बैंक में से कम कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 28 मार्च सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹10,000। अब ये क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू अशोक, मतलब कि अशोक को आपने उधार पे क्या बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, तो इसमें ना तो आपके पास कैश आया, ना ही आपके बैंक में कैश आया या गया, ठीक है। तो आप इसकी जनरल एंट्री करोगे, ठीक है, इसको कैश बुक में ऐड नहीं करोगे। तो देखो इसकी जनरल एंट्री 28 मार्च अशोक डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। अब 30 मार्च की देखो परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्र फॉर ₹20,000, मतलब कि आपने उधार पे क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, तो इसकी भी जनरल एंट्री होगी 30 मार्च परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू चंद्र 30,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो 31 मार्च के रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक, अशोक से क्या मिला है, चेक मिला है कितने का 5,000 का, उसके बाद एंड डिपॉजिट इन बैंक और बैंक में डिपॉजिट किया है, अलाउड कैश डिस्काउंट ₹200 और 200 का क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। तो देखो रिसीव कितने का हुआ चेक 5,000 का, तो यानी बैंक में आपके पैसे आए हैं, तो आप लिखोगे टू अशोक 5,000 बैंक में,
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अलाउड कैश डिस्काउंट और 200 का डिस्काउंट अलाउ किया गया है, तो डिस्काउंट को यहाँ लिखोगे जर्नल एंट्री में 31 मार्च डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू अशोक 200। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो भी डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा है या डिस्काउंट आप दे रहे हो, तो इसमें जो कैश बुक में आप इसकी एंट्री नहीं करोगे, इसकी एंट्री आप कैश बुक के नीचे करोगे। ठीक है, तो ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कि हमने देखा कि कैश अगर आपका बढ़ रहा तो आप कैश में लिख रहे हो, अगर आपका बैंक में कैश बढ़ रहा तो बैंक में लिख रहे हो। ठीक है, अगर कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, और बैंक में से कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखते हो। ठीक है, ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।